कंस के कारागार में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म के बाद वासुदेव भगवान कृष्ण को नंद बाबा के घर छोड़ने के लिए जमुना पार जाने के लिए चलते हैं, तो जमुना का उफान इतना तेज होता है कि भगवान वासुदेव को लगता है कि अब हम नहीं बच पाएंगे। भयभीत होकर भगवान पुकारने लगते हैं, कोयले कोयले। जब जमुना महारानी भगवान कृष्ण के पैर छुए और रास्ता दिया, तब इसलिए इस घाट का नाम पड़ गया कोयले। महेंद्र चतुर्वेदी, इस कोयले गांव का नाम कोयले क्यों पड़ा? ऐसे पड़ा साहब, ये भगवान वासुदेव जी ने यहाँ से निकले थे और भगवान सूप में लेके जा रहे थे, तो जब जमुना मैया ने उफान लिया तो सब डर गए वासुदेव जी, तो उनने कहा भैया लो लो कोई लो कोई लो कोई लो, डर गए वो, परेशान ज़्यादा दिखे। तो जब से ये कोयले गांव का पड़ गया, फिर आगे भगवान ने जा करके जब वासुदेव जी घबराए तो उनने चरण जमुना मैया में नीचे डुबो दिए, तो उनके चरण छी करके जमुना मैया थोड़ा सा डाउन हो गई, वासुदेव जी निकल के गोकुल पहुंच गए। पानी था यमुना जी का, जो पानी था उनके पैर छूने के लिए आतंक था किस मुकाम था, वासुदेव ने कहा मेरे पोते को कोई, अरे तुम आ जाओ भाई तुम बोल देना, आराम से बोलिए जल्दी ना, बोलो ना बोलिए, कोयले कोयले। तब यमुना जी ने इनके चरण स्पर्श किए, उसके बाद मैं कभी बोला नहीं, नहीं नहीं आराम से बोलिए कोई दिक्कत नहीं। एक तो पानी वाले चढ़ते हैं ना सब, पानी जल चढ़ा देते हैं। ओ मेरा टेलीफोन को लो उधर, टेलीग्राम में देख लेंगे। देव